कैश फॉर क्वेरी मामले में लोकसभा की एथिक्स कमेटी तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा से पूछताछ करने वाली है, मगर पूछताछ से पहले महुआ ने एथिक्स कमेटी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। महुआ ने समिति के अध्यक्ष विनोद कुमार सोनकर को एक लेटर लिखकर ये दावा किया है कि इस कथित अपराध की जांच करने का अधिकार इस कमेटी के पास नहीं है। इसके अलावा महुआ मोइत्रा ने बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी और सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहादराई से क्रॉस एग्जामिन की भी मांग की है। चलिए अब जानते हैं कि कैश फॉर क्वेरी मामले में महुआ मोइत्रा को लेकर क्या चल रहा है और ये मामला आखिर है क्या। 11 महीने से जारी किसान आंदोलन की आखिरकार और बिहार की राजनीति में बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। कैश फॉर क्वेरी, ये टर्म कुछ कुछ समझ में तो आता है, क्वेरी या सवाल के बदले पैसा लेना, यही आरोप है महुआ मोइत्रा पर। 14 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहादराई ने सीबीआई को एक रिपोर्ट भेजी जिसमें करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पर एफआईआर दर्ज करने को कहा गया। ये रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को भी भेजी गई। 15 अक्टूबर को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इसी रिपोर्ट का सहारा लेकर कहा कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एक बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी के कहने पर संसद में सवाल पूछे हैं और नरेंद्र मोदी और अमित शाह को घेरकर उन्हें बिजनेसमैन गौतम अडानी के साथ जोड़ा है और इसके बदले में महुआ ने दर्शन से कई फेवर्स लिए जैसे कैश, महंगे तोहफे वगैरह। निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि महुआ ने दर्शन को अपना पार्लियामेंट का लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे दिया था। तो आरोप यह है कि महुआ ने दर्शन के कहने पर अडानी ग्रुप और केंद्र सरकार को टारगेट करने वाले सवाल संसद में पूछे हैं। यहाँ आप इस बात को ध्यान में रखिए कि महुआ बीजेपी सरकार की कड़ी आलोचना संसद में लंबे समय से कर रही हैं। महुआ ने इस मामले पर लगातार केंद्र सरकार और अडानी ग्रुप को घेरा है। महुआ ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि पिछले 3 सालों में अडानी ने उनको 2 लोकसभा सांसदों के जरिए एक डील करने को कहा था। महुआ का कहना है कि सरकार उन्हें खामोश करना चाहती है और वो खामोश नहीं हो रही है। महुआ ने इसके साथ ही निशिकांत दुबे, जय अनंत और 15 से ज्यादा मीडिया चैनलों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी कर दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 5 नवंबर को होनी है। महुआ का कहना है कि ना उन्होंने सांसद के तौर पर अपनी जिम्मेदारी या संसद में सवाल पूछने के बदले में कोई रिश्वत ली है और ना ही उनके खिलाफ लगाए आरोपों में कोई तथ्य है। इधर 19 अक्टूबर को महुआ के दोस्त और बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी ने एक एफिडेविट में ये कह दिया कि उनके पास महुआ का लॉगिन आईडी और पासवर्ड था जिसके जरिए उन्होंने संसद में पूछे जाने वाले सवाल डायरेक्टली पोर्टल पर लिखे थे। हालांकि महुआ ने भी इस बात को माना है, मगर उनका कहना यही है कि लॉगिन आईडी या पासवर्ड देने की कोई मनाही तो है नहीं और हर सवाल जो पोर्टल पर लिखा गया उसका फाइनल चेक उन्होंने खुद किया है, किसी और ने नहीं। महुआ ने दर्शन के एफिडेविट के बारे में कहा कि इसकी स्क्रिप्ट पीएमओ में लिखी गई है। महुआ ने यह भी कहा कि दर्शन को भी कमिटी के सामने आकर बताना चाहिए कि उन्होंने मुझे कौन से गिफ्ट्स दिए हैं। महुआ की मुश्किलें यहां रुकी नहीं है बल्कि यूं कहें कि शुरू ही हुई हैं। इस समय महुआ पर लगे आरोपों की जांच लोकसभा की एथिक्स कमेटी कर रही है जिसके सामने महुआ को 2 नवंबर को पेश होना है। अगर महुआ इस मामले में दोषी पाई जाती हैं तो उनकी संसद की सदस्यता भी रद्द हो सकती है। मगर जो बात कैश फॉर क्वेरी के मामले से शुरू हुई थी वो कभी नेशनल सिक्योरिटी का मसला बन गई तो कभी बहस महुआ के कुत्ते, उनके निजी तस्वीरों या उनके सिगार तक पहुंच गई। मेनस्ट्रीम मीडिया ने महुआ का कैरेक्टर असैसिनेशन करने की भी कोशिशों को छोड़ा नहीं है। इस मामले से जुड़े सभी अपडेट्स आपको मिलेंगे newsclick.in पर। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो कीजिए। शुक्रिया।